बरसों से प्रेम प्रसंग में जुड़े एक युवक और युवती आज करीब 11 बजे पुलिस अधीक्षक कार्यालय आते हैं एप्लीकेशन देने। कारण था कि वे एक वर्ष पहले एक दूसरे से प्रेम करते थे और अब वह शादी करना चाहते हैं, लेकिन इसी बीच उनके परिवार वाले आ जाते हैं और उन लोगों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं। आइए जानते हैं क्या हुआ उनके साथ। हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इनके घर वाले बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, मारे भी हैं, बहुत ज़्यादा मारे हैं, और ये हमारे साथ रहना चाहते हैं, हम भी इनके साथ रहना चाहते हैं। यहाँ कब से आए हैं आप? यहाँ पर हम सुबह से आए हैं। पुलिस का कोई संरक्षण आपको मिला? नहीं, अभी नहीं मिला। नहीं मिला? क्या कह रहे हैं लोग? कह रहे हैं कि मतलब जाइए आप थाने में, तो अरे हमको मार रहे हैं, मारने के लिए कह रहे हैं, रास्ते में हाथ पर कॉमर कर खींच रहे हैं। कौन? इनके इनके घर वाले, इनके मामा मामा जो शिव प्रकाश हैं, फिर से संतोष हैं, दुर्गेश हैं, फिर से मुन्नू नाम है, और जो है इनके मम्मी है भी हैं। कोर्ट मैरिज हो गया है? कोर्ट मैरिज अप्लीकेशन पड़ गया है। दोनों बालिक हैं, 24 साल के हैं, मैं 21 साल 3 महीने का हूँ। तो यहाँ क्या करने के लिए आए हैं आप लोग? हम लोग शादी करने के लिए आए। मतलब एसपी ऑफिस में शादी होता ना? तो एसपी ऑफिस यहाँ पर हम उनसे मतलब यही कहना चाहते हैं, हमको हम लोग को प्रोटेक्शन दें, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन दें हमको प्रोटेक्शन, बस हमारी जान को कोई खतरा ना हो। क्या नाम आपका? बोलिएगा क्या मामला है आप लोगों का? हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम लोग जाने नहीं थे। कितने दिनों से? हम लोग 8 साल से प्यार कर रहे हैं। हाँ, तो मम्मी से बोले भी कि हम लोग की शादी करवा दो, तो बोली ठीक है। इसके बाद नई टॉर्चर की, बहुत मारी भी हम लोग, बहुत मारी है। तो बोल रही है कि नहीं, अब नहीं होगा शादी, इसलिए हम लोग भाग के शादी किए। कोर्ट मैरिज, मतलब कोर्ट मैरिज हो गया? हाँ हो गया, एप्लीकेशन पड़ा है। तो यहाँ आप एसपी ऑफिस में आई हैं? हाँ। तो यहाँ बोले कि हो सकता है, कौन? हम लोग घर जा सकते हैं, लेकिन यही लोग नहीं जाने दे रहे हैं, घींच रहे हैं हम लोग। तो कैसे जाएंगे जब तक आप लोगों को यहाँ प्रोटेक्शन भी नहीं मिला? पुलिस प्रशासन मिलेगा तभी हम लोग जाएंगे ना। सर, आप लड़के वाले के अधिवक्ता हैं जी, जी। तो आप इन लोगों के जो इन लोगों के साथ यहाँ एसपी कार्यालय पे हुआ, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें मेरा ये कहना है कि लड़का और लड़की दोनों बालिग हैं। अच्छा। लड़की को 24 साल है, लड़के को 22 साल है, और दोनों पहले से जो है प्रेम प्रसंग में थे। तो आज वो सब सुबह हमारे पास आए हैं कोर्ट मैरिज के लिए, तो हम लोगों ने कोर्ट मैरिज फाइल किया है। तो उनके परिवार के जो भी लड़की के मायके के या ननिहाल के लोग रहे, तो उन लोग उसका पूरा बर्ताव किए, लड़की को शायद मारे हुए भी लोग हैं। अच्छा। यहाँ भी बुरा बर्ताव हम लोग के समक्ष किए थे, और एस पी साहब कार्यालय के समक्ष उन्होंने कुछ बुरा बर्ताव किया उन बच्चों के साथ। तो यह गलत है, क्योंकि वो दोनों बालिग हैं, तो कभी भी किसी के साथ शादी कर सकते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता है, कानून अधिकार उन लोगों को है। जिस तरह से कानून का हनन ननिहाल जी के मायके द्वारा, ननिहाल के द्वारा किया गया, जो बिल्कुल निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई बालिग है और दोनों शादी करना सोचना चाहते हैं, तो कानून को देता है, कानून उनके साथ है। तो इस तरह से इस तरह का कार्य जो भी है परिवार के द्वारा, इस तरह का एक नहीं करना चाहिए। पुलिस कार्यालय पे एप्लीकेशन देने के बाद बबली पुत्री चंद्रकेतु साकिम दुर्गापुर थाना ब्रिजमनगंज जनपद महाराजगंज तथा गौतम कुमार पुत्र स्वर्गीय बिकाऊ ग्राम बढ़ारा थाना कोतवाली ने घर जाना चाहा, तभी लड़की के मायके वाले आ जाते हैं और उन लोगों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं। कारण था कि बंटी और गौतम कुमार पिछले एक वर्ष से प्रेम प्रसंग में लीन थे और वो अब शादी करना चाहते थे। लड़की के अनुसार कि उसने अपने परिवारजनों से कई बार शादी के लिए कहा, लेकिन परिवारजन तैयार नहीं हुए, लिहाजा इन लोगों ने भागकर कोर्ट मैरिज से शादी करना उचित समझा। एसपी कार्यालय पर बवाल देखते हुए यहां तैनात पुलिसकर्मियों ने नगर कलेक्टर चौकी इंचार्ज दिनेश कुमार पांडे को अवगत कराया, जिससे आकर वे इन्हें पुलिस प्रोटेक्शन प्रदान किए और कस्टडी में लेकर पूछताछ कर रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या इन लोगों को न्यायिक सुरक्षा मिलती है या नहीं, क्या ये कोर्ट मैरिज करने में सफल हो जाते हैं या नहीं। कैमरामैन राजेश के साथ रविशंकर भारती की रिपोर्ट।